बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को मुकम्मल कर लिया था और आप सब जानते हैं कि उस चैप्टर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स तो देखी थी, साथ के साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना भी सीखा था, यानी उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी ICS पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8 विच इज वर्ड प्रोसेसर। और आप सब जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको ये भी बता दें कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपकी बुक को मुकम्मल नहीं कर रहे, आपकी बुक को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम ICS पार्ट 1 की बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी बुक में, फॉर एग्जाम्पल, आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक हो और किसी और स्टूडेंट्स की सिंध टेक्स्ट बुक हो, और आप दोनों की बुक्स में टॉपिक्स में कोई डिफरेंस हो, तो वो तमाम चीजें भी, टॉपिक्स का फर्क वगैरह भी हम आपको इसी लेक्चर के अंदर बता देते हैं। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज एन वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, और इसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसर की टाइप भी देखेंगे कि किन किन टाइप्स के वर्ड प्रोसेसर होते हैं, और एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और आप उन फीचर्स को किस तरह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी डिटेल आपको देंगे। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, विच इज अ फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर, यानी एक फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कैसा दिखता है, उसकी क्या क्या डिटेल्स होती हैं, वो हम आपको इस टॉपिक में देंगे। इसके बाद हम आपको वर्ड प्रोसेसर को चलाना सिखाएंगे कि वर्ड प्रोसेसर दिखता कैसा है, और यहाँ से हमारा काम शुरू होगा सारा प्रैक्टिकली। तो हम सबसे पहले आपको वर्ड प्रोसेसर का इंटरफेस दिखाएंगे कि वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से दिखता है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इसकी डिटेल दिखाएंगे। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर में आप डॉक्यूमेंट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, ये जो पूरा हमारा चैप्टर है ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन से ही है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पर आप क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई करके आप एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल हम आपको इस चैप्टर में देंगे। तो हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाद उस डॉक्यूमेंट पर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उसको व्यू कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर इंसर्शन, डिलीशन, कॉपी, पेस्ट, यानी एक डॉक्यूमेंट पर क्या क्या एडिटिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके बाद हम आपको फॉर्मेटिंग करना भी सिखाएंगे, यानी आपने डॉक्यूमेंट तो बना लिया लेकिन आप उसको फॉर्मेट कैसे करें, जिसके अंदर हम सबसे पहले आपको फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स, यानी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पर फॉन्ट्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं, इसकी डिटेल्स देंगे। इसके बाद फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करना है, इसकी डिटेल देंगे। इसके बाद फॉर्मेटिंग पेज, यानी एक पूरे पेज पर किस तरह आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी साइज को, उसके आइकन्स को, उसके फॉन्ट्स को तब्दील कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको फराहम करेंगे। इसके बाद यहाँ तक हमारा एक डॉक्यूमेंट पर आप जो एक बेसिक फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम आपको एनहांस फीचर्स जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी टेबल वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई चार्ट वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो काम आप किस तरह वर्ड प्रोसेसर के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिपबोर्ड और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह किस तरह आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, उन पर क्या क्या फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। इसके अलावा वर्ड आर्ट एंड ग्राफिक्स, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ग्राफिक्स का दौर है, आपको हर जगह पिक्चर्स, इमेजेस, कलर्स नजर आ रहे होंगे, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप किस तरह ग्राफिक्स अप्लाई कर सकते हैं, वर्ड आर्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। इसके बाद हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के, यानी एक वर्ड प्रोसेसर के एडवांस ऑपरेशंस को आपको सिखाएंगे कि मेल आप किस तरह कर सकते हैं, प्रिंटिंग आप किस तरह कर सकते हैं, और इसके बाद हम आपको वर्ड प्रोसेसिंग के जो पॉपुलर पैकेजेस हैं जो कि अब तक आ चुके हैं, उसकी डिटेल्स आपको देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि हम आपके चैप्टर नंबर 8 में कवर करवाएंगे आपको। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आपकी बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के टॉपिक्स में जो डिफरेंसेस है उसकी डिटेल्स आपको देखते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉपिक नजर आ रहा है एडवांस ऑपरेशंस का, ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर ये एडवांस ऑपरेशंस बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। इसके अलावा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस जो है
ये टॉपिक भी पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ये एक छोटा सा फर्क था जो कि आपकी बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर आपको नजर आएगा। तो अगले लेक्चर के अंदर हम बकायदा आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, ये दिखता क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे और प्रैक्टिकली देंगे। दोस्तों याद रखिए, ये जो हम लेक्चर्स कवर करने जा रहे हैं, इनमें इन तमाम लेक्चर्स में हम आपको तमाम चीजें आपके सामने कर कर दिखाएंगे ताकि आपको भी वो चीज अप्लाई करना आए। तो ये थी कुछ डिटेल्स। अगले लेक्चर में हम आपके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।